गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज फिर से एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है उत्सर्जन एवं उत्सर्जीय। ठीक, इस टॉपिक में हम जानेंगे उत्सर्जन है क्या, अर्थात एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है। ठीक, तो हम उत्सर्जन और उत्सर्जी अंग के विषय में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड हर चीज समाप्त हो चुकी है, तो आज से फिर से एक नया टॉपिक शुरू होगा उत्सर्जन। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप। ठीक, CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीजें। ठीक, तो जब हमारे शरीर में जब उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं, हम आपको बता चुके हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, उपापचय क्रियाएं, अपचय क्रिया और उपचय, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शन होती है इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक। ठीक, उपापचय क्रियाएं। तो शरीर की कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, अर्थात निर्माणात्मक और विखंडनात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लवण आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये सब कैसे पदार्थ हैं, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं। तो आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं, अनावश्यक ही नहीं, मतलब अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, मतलब ये शरीर को इनकी कोई आवश्यकता नहीं, जो ये पदार्थ होते हैं शरीर को, जैसे कौन कौन, CO2, H2O, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लवण, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अगर ये अतिरिक्त मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, तो शरीर को इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जब शरीर में ये आवश्यकता इनकी होती नहीं है तो ये किस रूप में बदल जाते हैं, हानिकारक पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं। तो जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, तो ये होता है उत्सर्जन। तो हमने उत्सर्जन के विषय में जाना कि शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप CO2, H2O, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लवण आदि ये सब बनते हैं। तो हमारे शरीर में जब ये ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो ये शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, और जब ये अनावश्यक होते हैं तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इनको शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो इनको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। आपको बता दें, हो सकता है कि विकल्प में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा जीव है, तो हम लिखेंगे कि मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से यूरियोटिलिक है। कैसा है, यूरियोटिलिक। क्यों है यूरियोटिलिक, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। काहे का उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, जिस कारण से मनुष्य की श्रेणी में आता है तो यूरियोटिलिक कहलाता है। ठीक, ये हो गया उत्सर्जन। अब आता है मनुष्य के उत्सर्जी अंग, व्रत अर्थात किडनी। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, तो हम इनके विषय में जानेंगे। तो जो मनुष्य के उत्सर्जी होते हैं, तो मनुष्य में एक जोड़ी व्रत, एक जोड़ी मतलब कितने, दो, मनुष्य में एक जोड़ी व्रत प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक, एक जोड़ी व्रत प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। यह उदर गुहा, ये जो गुहा होती है क्या कहलाती है, उदर गुहा। उदर गुहा से बाहर पीछे की ओर, मतलब ये यहां पर, उदर गुहा को छोड़ दिया पीछे की ओर, यहां पर कशेरुकदंड, क्योंकि बीच में क्या है, कशेरुकदंड है, कशेरुकदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड के इधर उधर, कशेरुकदंड बीच में है तो उसके इधर उधर। ठीक, तो उदर गुहा से बाहर कशेरुकदंड के इधर उधर और यकृत के नीचे स्थित होते हैं। ठीक, कशेरुकदंड के इधर उधर, यकृत के नीचे स्थित होते हैं। और कैसे होते हैं ये गहरे लाल रंग के होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनकी स्थिति के विषय में। तो
अब जानते हैं व्रत, तो दो व्रत होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इंग्लिश में व्रत को किडनी कहते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ठीक, अब जो व्रत होते हैं, व्रत व्रत में जो होता है एक अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर को ले जाने के लिए रिनल वेन होती है और शुद्ध रुधिर को लाने के लिए रिनल धमनी अर्थात रिनल आर्टरीज होती है। मैंने वेन और आर्टरीज आपको पढ़ाए हैं पिछले वीडियोस में, आप उनको देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। तो जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको ले जाने के लिए रिनल वेन होती है और शुद्ध ब्लड लाने के लिए व्रतों में रिनल आर्टरी होती है। ठीक, तो ये ब्लड को शुद्ध ब्लड को व्रतों में ले जाती है। व्रतों में मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है और व्रत से दो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से दो मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? मूत्र वाहिनियां अर्थात यूरेटर निकलती हैं। वो यूरेटर मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। और जो मूत्राशय होता है वो मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। ठीक, तो ये हो गई किडनी की स्ट्रक्चर। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है इसमें, जो किडनी होती है, जो व्रत होते हैं, व्रत के ऊपर एक कैप जैसी संरचना लगी होती है। ये कैप जैसी संरचना एक ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसको हिंदी में अधिव्रक ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिव्रक ग्रंथ भी बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसे, और इससे हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, तो ये व्रत की संरचना हो गई। व्रत की संरचना का चित्र बनाना भी है और इसको लिख के देखना भी है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Thank you.